तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब तुम पता नहीं किस किस के जिगर के टुकड़े हो, पर सुन लो, मेरे तो हो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विथ ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल, जो भी हमारे मतलब जो भी एग्जाम में आने के चांस है, टेंशन पुली वुली सब करेंगे, इंक्लाइन प्लेन सब कुछ करेंगे। पहले हम 15 से 20 मिनट या जो भी आधा घंटा भले ही क्यों ना लग जाए, अपन बात करेंगे किसके कॉन्सेप्ट्स के। एक बार बेस स्ट्रांग हो जाए तो चलना बड़ा आसान हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो तो बिल्कुल जोश में पढ़ना है, पहले नोट्स बनाने हैं फिर आगे बढ़ना है, नोट्स बनाने फिर आगे बढ़ना, यही तरीका होता है। मान लो आप एक बार में पूरी वीडियो देख लो तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, लेकिन लिखोगे मन में बैठ जाएगा फिर आगे बढ़ना है। अगर आप रिकॉर्डिंग से देख रहे हो तो, और मुझे पता है कि आप रिकॉर्डिंग से ही देखोगे, आपके पास इतना टाइम है नहीं, 10 दिन बाद पेपर है आपका। चलो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता हूँ। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ना सबसे पहले समझो एक वर्ड आता है डायनेमिक्स, ठीक है। आप बोलोगे सर ये बेसिक बातें क्यों करवा रहे हो, डायनेमिक्स, ये डायनेमिक्स वर्ड आता है डायनेमिक्स, ठीक है डायनेमिक्स। अब ध्यान दो, कोई बात नहीं करेगा, अगर कोई बात करते दिख गया मुझे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको तकलीफ हो जाएगी, दर्द हो जाएगा, ध्यान दो। मैंने बोला डायनेमिक्स, क्या बोला मैंने? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या है, ये आता है 1 मार्क में, कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स तो आपको पता है, स्टडी ऑफ मोशन या स्टडी ऑफ रेस्ट की कंडीशन को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स क्या है कि भाई मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन की स्टडी लेकिन कारण के साथ, विथ कॉज, यानी जहां पर कारण हो रेस्ट और मोशन का, है ना। जैसे मैंने बोला मैं भी रेस्ट पर हूं, तो इसका कारण, इसके कारण की स्टडी करते हैं हम डायनेमिक्स में। एक कार मोशन में है तो कार मोशन में क्यों है, उसके कारण को कहते हैं हम कारण की स्टडी करना डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हम कॉज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉज की। तो मुझे पता है यह बात आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब जैसे कि चैप्टर है, चैप्टर किस पे बेस्ड है, चैप्टर पूरा का पूरा फोर्स पे बेस्ड है, कैसा है, फोर्स। तो हम बात करते हैं पहले फोर्स की, अरे फोर्स की बात करते हैं, जहां न्यूटन आएगा वहां तो फोर्स आएगा ही आएगा, क्या बात समझ पा रहे हो। तो देखो हमने बोला फोर्स क्या है, तो आपको पता है भाई किसी पुश या पुल को फोर्स कहते हैं, पुश या पुल को फोर्स कहते हैं, ये बात पता है। अब हम बात करेंगे फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, जनरली फोर्स दो ही प्रकार के होंगे, पहला क्या, जो कॉन्टैक्ट की वजह से आए, किसकी वजह से आए, और दूसरा क्या, जो कॉन्टैक्ट के बिना आए, कॉन्टैक्ट के बिना कौन कौन से फोर्स है, मैग्नेट के बीच का, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस माइनस के बीच का, प्लस प्लस के बीच का, बात समझ पा रहे हो। तो दो तरह के फोर्स हम जनरली जानते हैं बेटा, पहला होता है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आप जानते हो, आपको किसी को मारना है, किसी से स्कूल में लड़ाई हो गई है, मुक्का मारोगे दांत तोड़ दोगे। जब मैं 8वीं क्लास में था मेरी भी लड़ाई हो गई थी, मैंने मुक्का मारा था, उसका दांत टूटा नहीं टूटा, मेरा हाथ सूज गया था, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, जनरली कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, टच करना पड़ता है। और नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होता है, ध्यान दो, नॉन कॉन्टैक्ट में आप टच नहीं करोगे तब भी काम हो जाएगा। कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है नॉर्मल रिएक्शन आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसको याद कर लो, इसका सिंबल N भी होता है और R भी होता है। N क्यों, नॉर्मल के लिए, और कई लोग रिएक्शन बोलते हैं जनरली, तो R। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन आता कैसे है, ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, ध्यान रखना है, अरे ध्यान दो इधर, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, जो बार बार यूज करेंगे हम, इसके बारे में जान लो। नॉन कॉन्टैक्ट कौन कौन से हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, बात समझ में आ गया। आप कॉन्टैक्ट में सबसे बेस्ट यही हमें पढ़ना, इस चैप्टर में हमें ये वाला तो पढ़ना ही नहीं है, सारे ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये नहीं पढ़ना, कॉन्टैक्ट वाले पढ़ना है। तो नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा पढ़ना है। देखो अब नॉर्मल रिएक्शन की डिटेल स्टडी कर रहे हैं हम, ध्यान देना, नॉर्मल रिएक्शन अब जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है, हाथों हाथ साथ साथ वो बनाने हैं। नॉर्मल रिएक्शन देखो, अगर कोई बॉडी है तो यहाँ पड़ा हुआ है, अगर ये धरती है, धरती क्या है, ये धरती, सुनील शेट्टी का डायलॉग है, ये धरती मेरी माँ है, तो ये धरती हमारी माँ है। आप कहानी को समझना, कहानी को, अगर इस बॉडी का मास है एम, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे लगता है mg नाम का फोर्स, क्या लगता है, और ऊपर होता है नॉर्मल, बस याद कर लो। हमें कहानी से मतलब ही नहीं है, नॉर्मल फोर्स आता ही कब है, कॉन्टैक्ट हो, जब क्या हो, कॉन्टैक्ट। तो देखो ये समझना, नॉर्मल ऊपर लगेगा mg नीचे, इस नॉर्मल को बोलेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या mg कॉन्टैक्ट फोर्स है, नहीं, mg तो ग्रेविटी है, इसके ऊपर भी mg लग रहा है, धरती से कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी, अभी भी mg लग रहा है, तो mg हमेशा लगता है, कॉन्टैक्ट हो या ना हो, पर नॉर्मल तभी आएगा जब कॉन्टैक्ट हुआ, क्या बात समझ में आ गया। और बताओ सर, और नॉर्मल फोर्स मुझे कहाँ देखने को मिलेगा सर, तो फटाफट सीखते हैं हम, ये वाला केस बड़ा आएगा। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कैसे दिखाई देता है, मान लो कोई बॉडी है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, अगर आप बचपन से
या इलेवंथ की स्टार्टिंग से पढ़ रहे तो हल्का हल्का आपको पता होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ध्यान देना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अच्छा, आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें। मैं कहूँगा रट लो, बोलोगे सर आप तो रटवा रहे हो। अरे भाई रट ले, 10 दिन बाद पेपर है, रट ले, रटना ही है, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। तो देखो नीचे लगता है सीधा एम जी, क्या लगता है? एम जी, ध्यान देना। और नॉर्मल हमेशा, उसका नाम ही नॉर्मल क्यों है सोचो, वो 90 डिग्री पे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, 90 डिग्री वाला रिएक्शन। तो अगर ये बॉडी है तो बॉडी के सर पे ऐसे 90 डिग्री पे, 90 है ना, 90 देखो बॉडी के 90 बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगता है? नॉर्मल। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होता है किसके अंदर? इंक्लाइन प्लेन के केस में। अब समझना छोटी छोटी बातें, मैं यहाँ पर है ना कुछ याद करवा दे रहा हूँ आपको, जीवन भर के लिए याद करवा दे रहा हूँ। देखो जब यहाँ से एक लाइन बनाओगे ना, लाइन, अरे याद कर लो इसको जीवन भर के लिए। देखो ये वाला एंगल थीटा बनेगा, क्या बनेगा? थीटा। अगर ये एम जी है तो बेटा ये हो जाता है एम जी कॉस थीटा, याद कर ले, देख समझ। ये फोर्स है, क्या है? फोर्स। इस फोर्स का इफेक्ट इधर भी तो होगा, हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई फोर्स टेढ़ा होता है, फोर्स क्या होता है? टेढ़ा। उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक कॉस का एक साइन का। तो इस तरफ जो फोर्स का हिस्सा आएगा, कॉम्पोनेंट आएगा, उसको बोलते हैं एम जी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल है थीटा। थीटा के बगल वाला क्या होता है? कॉस। और जस्ट इसके इधर एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ये फिक्स हो गया, ये जीवन भर के लिए याद कर ले, ये फिक्स हो गया। फ्यूचर में जब मैं तेरे को फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन मान ले पीछे लगेगा, क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ध्यान रखियो इस बात को, फ्रिक्शन हमेशा एम जी साइन थीटा के अपोजिट लगेगा। क्यों? एम जी इधर लग रहा है, साइन थीटा तो फ्रिक्शन इस तरफ। अब ध्यान रखना बेटा, ये थीटा कैसे कैसे निकाल सकता है तू? देख, अगर तेरे को ये हाइट दे दे, अगर ये दे दे, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस दे दे, हाइपोटेन्यूस दे दे, तो थीटा निकल जाएगा। या तीनों में से दो देगा तभी तू एंगल निकाल सकता है, टेन लगा के या कॉस लगा के, कुछ भी लगा के एंगल निकाल सकता है। तो ये याद कर ले बस, मैंने कहा याद कर ले, जिसको नहीं पता क्या होता है वो याद कर लो बस। और इसका हम बहुत इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने ये सीख लिया होगा, लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लेना। अब कहानी को समझो, कहानी को समझो, कहानी को। कहानी ये है कि जब वो बोले कि बॉडी में कोई मोशन नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी क्या है? बॉडी एक लाश की तरह है। किसकी तरह है? लाश की तरह। कोई लाश में कोई मोशन होता है? नहीं। जैसे कि भाई लाश पड़ा हो तुम बोलो उठ जा सुरेश, नहीं उठता ना, वैसे एक लाश की तरह पड़ा हुआ है, ये लाश की तरह पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में कोई मोशन नहीं है। मोशन नहीं, इसका मतलब क्या है? ना ऐसे मोशन होगा, ना ऐसे मोशन होगा, किसी भी दिशा में मोशन नहीं है। फिजिक्स की भाषा में अगर किसी दिशा में मोशन नहीं होता, किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं होता, तो समझ जाओ कि हर तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है, हर तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं मूव नहीं कर रहा, हवा इधर से जितना फोर्स लगा रही है उतना ही पीछे से, उतना ही बगल से, उतना ही इधर से। अगर पीछे मैं पंखा लगा दूं बहुत तेज वाला तो मैं आगे की तरफ ऐसे गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पीछे फोर्स ज़्यादा हो गया और आगे फोर्स कम था। यानी यहाँ पर ये बॉडी मोशन नहीं है, तो फिजिक्स की भाषा में हम क्या बोलेंगे कि पक्का इफ़ नो मोशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? इफ़ नो मोशन। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप याद रखेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम में एम जी साइन थीटा जो है, इधर का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस रहता है, फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस रहता है। क्या बात समझ में आ गई? पक्का पक्का समझ में आ गई? अगला हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ही बात करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अगली बार देख बेटा, अब सोच, अगर मोशन ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे भी नहीं हो रहा, तो नॉर्मल वाला किसके बराबर होगा बता? नॉर्मल होगा एम जी कॉस थीटा। अब तू जीवन भर याद कर ले, जीवन भर याद कर ले, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है। अब हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हल्का सा बात करेंगे, फिर स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया? अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अब फ्रिक्शन को चाटते हैं, फ्रिक्शन को चाटते हैं यानी खत्म करते हैं इसको। फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन होता क्या है? तो फ्रिक्शन एक ओपोजिशन है। क्या है? ओपोजिशन, जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है, बॉडी के मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन एक दानव है। क्या है? दानव। अब दानव क्यों है पता आप लोगों को? हम बोलते हैं फ्रिक्शन इज अ डेविल, फ्रिक्शन इज अ डेविल। उसके पीछे रीजन क्या है? मेरे जूते घिस गए, मेरे जूते, मेरे टायर घिस गए, मेरे टायर घिस गए। मैं चल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी जा रही है हीट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, हालत ख़राब है मेरी। क्यों? फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्शन बहुत। तो फ्रिक्शन क्या? एक डेविल है, पर कहते हैं फ्रिक्शन देवता भी है। फ्रिक्शन, जैसे मैं किसी के लिए अच्छा हूँ तो किसी के लिए बुरा हूँ। आपके लिए परमात्मा का अवतार अगर तुम मानते हो तो, और जो मेरे कॉम्पिटिटर है उनके लिए तो ये इस बंदे को उड़ाना है, बस कैसे भी उड़ाना है, भगाओ इसको यहाँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स के लिए। तो बात समझ पा रहे हो?
तो जैसे मैं किसी के लिए देवता भी हूँ और किसी के लिए मतलब वो भी डेविल भी हूँ, वैसे ही फ्रिक्शन भी है। अब फ्रिक्शन, सर फ्रिक्शन डेविल तो है समझ में आता है, पर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन देवता कैसे है? फ्रिक्शन देवता कैसे बेटा? तो चल ही इस वजह से पा रहा क्योंकि फ्रिक्शन है। सोच अगर मैं तेल लगा दूँ, क्या लगा दूँ सरफेस पे, बहुत तेल कर दूँ, बहुत ऑयली कर दूँ, चल के दिखा ऐसे चले ऐसे गिरता गिर जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो चल नहीं पाएगा, फ्रिक्शन नहीं हुआ तो चल नहीं पाएगा, फ्रिक्शन नहीं हुआ तो बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, फ्रिक्शन नहीं हुआ तो मैं इसको 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 रख नहीं पाऊंगा। अरे फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है ये, बात समझ पा रहा है? फ्रिक्शन की वजह से ही रुका हुआ है ये, है ना? फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पा रहे हैं। अगर यहाँ फ्रिक्शन ना हो तो मैं लिखूँ फिसल जाए, मैं लिखूँ फिसल जाए, मैं फ्रिक्शन तक ना लिख पाऊँ। तो फ्रिक्शन देवता भी है और फ्रिक्शन दानव भी है, बात समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताओ सर। अच्छा फ्रिक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, सुनो मैं थोड़ा सा बहुत क्यूक में बताऊंगा, इतना एक्यूरेट नहीं पर ठीक बता दूंगा। सुनो ऐसे समझा जाता है कि देखो भाई अभी ना रुका हुआ है ये बॉडी, ऑलमोस्ट रुका हुआ है, तो अभी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इनके बीच में वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब समझना है स्टैटिक फ्रिक्शन है, अभी कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब तुम इसमें फोर्स लगाना स्टार्ट करो, फोर्स लगाना स्टार्ट करो, तुमने इधर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। बात सुनो, अब एक टाइम पर ऐसा आएगा, एक बेटा ध्यान दे यार क्यों बात कर रहा है तू, शर्म क्या कर भाई, थोड़ा सा इतना सा कर लेगा ना हो जाएगा काम, ठीक है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, फ्रिक्शन इस तरफ है, इस तरफ है। अब समझो मेरी बात समझो, आपने फोर्स लगाया 10, आपने फोर्स लगाया 10, फ्रिक्शन हो गया 10 क्योंकि मूव नहीं कर रहा बॉडी। आपने फोर्स लगाया 12, अभी बॉडी मूव नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन हो गया 12। अभी अब समझना अब आपने लगाया 13, बॉडी ने लगाया 13, क्या लगा दिया 13। अब पता लग गया बॉडी को कि मैं इतना ही लगा सकता हूँ, मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर रहा था। 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि फ्रिक्शन क्या खुद को एडजस्ट करता है? हाँ एडजस्ट कर रहा है ना। देख कल पहले जैसे हम जैसे अलमारी को धक्का मारना है, तूने 10 लगाया उसने 10 लगाया, तूने 12 लगाया उसने 12 लगाया, फिर फ्रिक्शन की औकात खत्म। अब तो 13 लगाएगा तो वो बात नहीं, 13 नहीं लगाएगा ना, अब मूव कर जाएगा, बात समझ में आया? तो ध्यान रखना होता क्या, ग्राफ से समझो, ग्राफ से समझो, ग्राफ से समझना कि अगर अगर ये समझना, देखो पहले क्या होता है कि आप फोर्स लगाते हो, क्या लगाते हो? फोर्स, फोर्स लगाया आपने, फोर्स लगाया लगाया, जब फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात चल रही है। फिर एक टाइम पर ऐसा आएगा कि एक लिमिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? लिमिट, लिमिट के बाद फ्रिक्शन हल्का सा कम लगेगा, क्या लगेगा? कम। अच्छा फ्रिक्शन कम क्यों हो जा रहा है? देख अब तू किसी चीज़ को धक्का दे, तू धक्का दे तो स्टार्टिंग में बड़ा जान लगाना पड़ता है, जैसे साइकिल को चला ले, साइकिल को स्टार्टिंग में जान लगाना पड़ता है, बाद में थोड़ी सी फ्रिक्शन कम हो जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न समझ में आ रहा है? रीज़न ये है कि बेटा देख जब ये रखा हुआ था, सुन ले अब, जब ये रखा हुआ था ना, जब ये रखा हुआ था तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था, फोर्स बनने का टाइम मिल रहा था, धरती के मॉलिक्यूल के बीच में और बॉडी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बनने का टाइम मिल रहा था, क्या मिल रहा था? टाइम। लेकिन जब तू चलाने लग जाएगा चलाने, तो टाइम नहीं मिलेगा, वो मॉलिक्यूल चिपक नहीं पाएंगे, तो फ्रिक्शन हल्का सा कम हो जाता है। यानी इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देंगे, या इसी को बोल देंगे लिमिट। ये मैक्सिमम लिमिट था स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो वहाँ पर वर्ड आ जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद बॉडी मूव करने लग गया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या हो गया? तो फ्रिक्शन कितने टाइप के हो गए जनरली? देखो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा एक्यूरेट या बहुत डिटेल में नहीं बताया, पर काम की बात हो गई है। देख बॉडी रुका हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी बिल्कुल जस्ट चलने से पहले एक लिमिट आ गई तो बोल देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या बोल देंगे? अब लिमिट पार हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अब बॉडी मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या बात समझ में आ गया? ऊपर समझाया, इतना डिटेल में नहीं, इतना एक्यूरेट नहीं, पर काम की बात हो गई, काम की बात हो गई। अब समझ, अब असर आपने बता दिया कि फ्रिक्शन क्या होता है, अब फार्मूला बताओ, क्या बताओ? फार्मूला, तो देख फार्मूला समझ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू टाइम्स। बोलोगे सर नॉर्मल तो आपने सिखा दिया, हाँ जी नॉर्मल सिखा दिया मैंने, जैसे यहाँ पर बॉडी नॉर्मल तो नीचे एम जी, और नॉर्मल किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक मतलब स्टैटिक कंडीशन है ना। तो फार्मूला क्या हो गया फ्रिक्शन का? म्यू टाइम्स एम जी। अच्छा सर 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 इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन बताओ, सर इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन बताओ जब इंक्लाइन प्लेन है, सर इस क्वेश्चन में बता के दिखाओ आप मुझे, ये बॉडी एम था अब फ्रिक्शन बताओ, तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, और याद करो सर ने आपको रट्टा लगवाया था कि नॉर्मल होता है एम जी कॉस थीटा। अरे नॉर्मल एम जी कॉस थीटा होता है इस केस में, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ तक नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। कई सारे बच्चे परेशान होंगे, कई सारे बच्चे कोमा में होंगे, ये सोच के कोमा में होंगे कि म्यू क्या है। अरे सर म्यू तो बता दो बेटा, इसको बोलते हैं, सुनो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा मान लो ये एक ऐसी चीज़ है जो बताएगी फ्रिक्शन कम की ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कोई ऑयली सरफेस है, कैसा सरफेस है? ऑयली, तो उसका म्यू होगा कम, म्यू क्या होगा? कम। अगर कोई ऊबर खाबर सरफेस है, ऐसे या ऐसे मान लो आप
हो या ना हो, मान लो आसानी होगी समझने में चीज़ों को। मैंने कहा कोई ऊबर खाबर सरफेस है तो उसका म्यू क्या होगा, ज़्यादा। यानी एक ऐसा बंदा हमने बनाया म्यू, म्यू एक ऐसा बंदा है जो बताएगा फ्रिक्शन कम है कि ज़्यादा। म्यू एक ऐसा बंदा है जो खड़े होकर बोल रहा है मैं कम हूँ यानी फ्रिक्शन तुझे कम फील होगा, मैं ज़्यादा हूँ तुझे फ्रिक्शन ज़्यादा फील होगा। तो म्यू क्या बोलता है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का क्या मतलब है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन या कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फटाफट इसके आगे हम बढ़ेंगे। अच्छा सुनो सुनो, यहाँ एक बात, यहाँ पर एक बात ठीक कर लेना, मैंने बहुत जल्दीबाजी में था, तेजी में था, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाती है ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉन्स्टेंट किसकी होती है, फ्रिक्शन की। जब साइकिल चलने लगता है साइकिल, तो फ्रिक्शन आपको बिल्कुल कॉन्स्टेंट फील होगा, और साइकिल जब नहीं चल रही होती है तो हार्ड फील होता है ना। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू ये वाली है ना, ये तो सीधी लाइन है, तो ये यहाँ पर फ्रिक्शन होना चाहिए, इस एक्सिस पे फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। और इस एक्सिस पे क्या होना चाहिए, फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो छोटी सी बात थी, कोई मिस हो गया जल्दीबाजी में, कि भाई फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट होता ना, जब साइकिल चलने लगेगा तो फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट होगा, और कॉन्स्टेंट वाली एक्सिस ये है ना, तो फ्रिक्शन यहाँ होना चाहिए। ये ठीक कर लेना बस, और कोई बात नहीं है। आगे हम क्वेश्चंस करने वाले थे, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का देखो, कह रहा है फाइंड फ्रिक्शन। हम क्या बोलेंगे, सर ने सिखाया फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम्स एन। दो तरह के कोफिशियंट होंगे, एक स्टैटिक कोफिशियंट और एक लिमिटिंग कोफिशियंट, है ना, या सॉरी काइनेटिक कोफिशियंट, जो मर्जी बोल लो, अभी बता दूंगा मैं, ध्यान दो। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, म्यू की वैल्यू 0.7 है, और नॉर्मल क्या होगा, एम जी के बराबर। देखो नॉर्मल किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर 2 into g, और g की वैल्यू आपको पता है तो आंसर आ जाएगा 0.7 2 into 10, आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है ना, 14 into जो भी है। तो इस प्रकार से कर लेना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए कि अभी बॉडी रुका होगा, ठीक है ना। देखो जब तक मैं बोलूँ ना, बॉडी मोशन में नहीं होगा, रुका हुआ है, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन है। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू टाइम्स नॉर्मल, और सर ने नॉर्मल याद करवाया था mg cos थीटा, mg cos थीटा ना, तो म्यू की जगह पर 0. कितना है, अच्छा kg नहीं लिखना है, यहाँ पर 0.3 आ गया, 0.3 mg m 2 into g 10 ले रहा हूँ मैं, टेम cos 60 होता है 1/2, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया आंसर, ठीक है। तो फ्रिक्शन हो गया 3 न्यूटन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बड़ा एक क्वेश्चन लो, क्वेश्चन फाइंड फ्रिक्शन, क्या ये फाइंड फ्रिक्शन, कैसे फाइंड करोगे फ्रिक्शन मेरे होनहार बच्चों। आपसे क्या लिखोगे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। अब तो याद ही हो गया आपको, अब तो भाई सिंपल सिंपल बात है, म्यू लिख दो, म्यू कितना है, म्यू कितना दिया होगा कुछ ना कुछ म्यू क्वेश्चन में, मान लो 0.7 लिख दिया मैंने, या लिख दो 0.7 एम जी, एम जी मतलब 10 into 10 कौन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, समझे नहीं मेरी बात को, अरे 10 है, 10 kg दे रखा है, और जी भी 10 है, अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, यहाँ पर 10 into 10 100 हो गया, बेस कितना है, बेस कितना है, 4/5 आ गया आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आए तब भी कर लेना, ठीक है, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला मैं आपको पढ़ाऊंगा स्प्रिंग फोर्स, फिर टेंशन, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और चैप्टर को बोलेंगे बाय, ठीक है। और अगर बैंकिंग ऑफ रोड ये सब है ना, देख लेंगे एक बार। सुनो 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब पढ़ते हैं स्प्रिंग फोर्स, क्या पढ़ते हैं, स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स होता है क्या, देखो, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट समझते हो, इलास्टिक लिमिट का मतलब है बहुत नहीं खींचना है स्प्रिंग को, ध्यान दो, स्प्रिंग को बहुत नहीं खींचना है, हल्का सा खींचना है, इतना खींच लो ठीक है, इतना भी खींच लिया ठीक है, ये नहीं कि तू ले बन जा बाहुबली, नहीं, स्प्रिंग फोर्स समझ। स्प्रिंग फोर्स कहता है कि मान लो कहीं पर स्प्रिंग है, कहीं पर क्या है स्प्रिंग, और उसका कुछ मास लटका हुआ है, मान लो 2 kg, कितना है 2 kg ऐसे लगा रखा है हमने। अब तुम क्या करो, तुम इसको इधर खींचोगे, अप्लाइड फोर्स, क्या करोगे इधर, अगर तू इधर अप्लाइड फोर्स लगाएगा तो वो बंदा तेरे को पीछे फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग तेरे को पीछे खींचेगा, तेरे को पीछे खींचेगा तो कितने फोर्स से खींचेगा, तो देख कहा गया कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा, कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, किसके, तो जितना उसको खींचेगा उतना ही वो तुझे खींचेगा। और यहाँ से फिर एक कांस्टेंट आया तो हमने बोला के, इसको बोला स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोला, और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि क्योंकि तूने एक्स उधर दिया, तूने डिस्प्लेसमेंट इधर दिया एक्स एक्स, और फोर्स लगा पीछे, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, क्या बोलते हैं। तो हमेशा स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, माइनस के इंटू एक्स। अगर मैं यहाँ से के बारे में बात करूँ तो के हो गया तेरा, देख अगर सिर्फ मॉड लू, सिर्फ क्या लू, मॉड मॉड लू, तो आंसर क्या जाएगा, के एक्स, क्या जाएगा, मॉड मतलब नेगेटिव साइन नहीं लेना, नेगेटिव साइन। तो के क्या आ गया, के आ गया डायरेक्ट फोर्स ऑफ स्प्रिंग बाई एक्स,
तो ये हो गया न्यूटन, और नीचे क्या हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर माइनस वन, तो ये के की यूनिट हो गई। के की क्या हो गई यूनिट, तो कोई डायमेंशन भी निकाल लेगा तू। डायमेंशन के लिए वीडियो देखो भाई, डायमेंशन वाली बात समझ में आ रहा है। न्यूटन यानी फोर्स, मीटर यानी लेंथ माइनस वन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने स्प्रिंग फोर्स खत्म कर लिया। अब अपन देखेंगे पता है क्या, टेंशन। क्या देखेंगे? टेंशन। और टेंशन बहुत यूज होता है, टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। क्या होता है खिंचाव, इसको समझना इतना ही आसान है जितना तुम, जितनी इजली तुमने साइंस ली है। देखो समझो, बड़ा आसान है, देखो समझो। मैंने कहा देख, ये कोई रस्सी है, रस्सी वो बना किससे होगा? तो तूने कहा सर ये एटम से मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। तुझे क्या याद है, मैंने पढ़ा चुका हूँ कि दो एटम के बीच में, दो अगर एटम है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, तो उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं आर नॉट। दो एटम के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है जिसके, जिस डिस्टेंस पे, बेटा क्या कर रहा है सिर्फ जो ध्यान दे, आप गलती मत करियो। दो एटम के बीच में फिक्स डिस्टेंस होता है, क्या होता है फिक्स डिस्टेंस। अगर उस डिस्टेंस वो उस टाइम पर वो स्टेबल होता है, क्या होता है स्टेबल। मैंने बोला कि मेरे दो एटम ही रहा, इतने डिस्टेंस पे वो स्टेबल है। अगर तू इसको छेड़ेगा तो तेरे को छेड़ेगा, अगर तू उन एटम्स को दूर करेगा तो वो पास आएंगे, तू पास करेगा तो दूर जाएंगे, क्योंकि एटम को आर नॉट ही पसंद है, आर नॉट ही। तो देख सुन, जब तू रस्सी को ऐसे खींचता है, दोनों तरफ से खींचता है, तो रस्सी तेरे को खींचता है, रस्सी तेरे को अंदर खींचेगा दोनों तरफ से, उसी को बोलते हैं हम टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। तो टेंशन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगेगा। जैसे मैंने बोला देख, तूने एक रस्सी से एक मास को लटकाया 2 किलोग्राम, कितने किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम ने रस्सी को नीचे खींचा, रस्सी को समझ, 2 किलोग्राम ने रस्सी, वह हट, 2 किलोग्राम ने, ये हो क्या हो रहा है, 2 किलोग्राम ने रस्सी को नीचे खींचा, एमजी लगा के, क्या लगा के, एमजी लगा के 2 किलोग्राम ने रस्सी को नीचे खींचा, तो रस्सी उसको ऊपर खींचेगा, तो टेंशन हमेशा ऊपर बनेगा। बात समझ पा रहा है? एक तरह से रीस्टोरिंग फोर्स है, एक तरह से ये कैसा फोर्स है, एक तरह से रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या बात समझ में आ गया? टेंशन कुछ, अब टेंशन को बोलते खिंचाव। क्या बोलते हैं? समझ में आया खिंचाव क्यों है? ये खींच रहा होता है कि तू मेरे एटम को दूर करेगा, मैं पास करूंगा, तो इसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। तो हमने ऑलमोस्ट सारी तरह के फोर्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नोट करो, यूट्यूबर की तरह बन गया मैं। दोस्तों जैसे ही टॉपिक खत्म होता है आप कहते हो कुछ क्वेश्चंस कराओ, वरना मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा। तो भाई लो कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा आ गया, सुनो, मैंने कहा एक बॉडी लटका हुआ है, एक बॉडी 2 किलोग्राम का है, लटका हुआ है और रेस्ट पर है, किस पर है, या इक्विलिब्रियम पर है, किस पे है, इक्विलिब्रियम के, फाइन टेंशन, फाइन। तो मैं सीधा बोलूंगा बॉडी के अपोजिट, इधर अगर एम जी लग रहा है तो ऊपर टेंशन होगा, और रुका हुआ है तो ऊपर नीचे का फोर्स क्या होगा, तो टी इक्वल टू एम जी, और एम जी मतलब 20 न्यूटन। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक दो क्वेश्चन और देख लो। ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस है। सुनो, यहाँ पर हमने बोला 2 किलोग्राम, यहाँ बोला हमने 3 किलोग्राम, और हमने बोला बताओ यहाँ टेंशन कुछ होगा, T1 मान लो, यहाँ भी कुछ टेंशन होगा, T2 मान लो। क्वेश्चन कहता है भाई तू मुझे T1 बताओ और T2 बता, तो मैं T1 निकालने गया। मैंने कहा T1 वाला मॉलिक्यूल कितना खींचेगा, अरे यहाँ का जो मॉलिक्यूल बैठा है कितना खींचेगा, वो 2 किलो को भी खींचेगा, 3 किलो को भी खींचेगा, तो T1 जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 5 × g। अरे mg ना, mg कितने मास को खींच रहा है, 5 को, तो 5g यानी 50 न्यूटन। किसी ने मुझसे बोला T2 वाला मॉलिक्यूल, जो यहाँ मॉलिक्यूल बैठा होगा वो कितने को खींचेगा, वो सिर्फ 3 को खींचेगा, तो T2 कितना आ गया, 3 × g यानी mg है ना, तो 30 न्यूटन। कैसे क्वेश्चन तू मजाक में उड़ा देगा? दिस इज मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, JEE में, नीट में कितनी बार आ गया, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, पर इसमें कोई दम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है खतरनाक सा, हाँ अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, ठीक ठाक लेवल है, मैं इतना नहीं बोलूंगा। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो टेंशन फाइंड करो, सिस्टम रेस्ट पर है, सिस्टम, तो आपको आंख बंद करना है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कहता है कि भाई टेंशन फाइंड करना है, तो सोचो कि इस पर फोर्स बनाओ सारे। अब फोर्स को समझना, बॉडी रेस्ट पर होने का क्या मतलब है कि आगे पीछे का फोर्स, ऊपर नीचे का फोर्स क्या होता है, बैलेंस। तो तू बोलेगा अगर रेस्ट पर है, एक तो इधर फ्रिक्शन लगता है, क्या लगता है, अगर मैं बताऊं तेरे को, इधर पीछे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन, और टेंशन भी लगेगा, क्या लगेगा, रस्सी में क्या है, टेंशन, और इस तरफ क्या लगता है, mg sin theta, तो कहीं ना कहीं रेस्ट पर है, तो फ्रिक्शन प्लस टेंशन mg sin theta के बराबर है, फ्रिक्शन प्लस टेंशन mg sin theta के। अबे तभी तो रुका हुआ है, मेरे को दो बंदे ऐसे खींच रहे हैं और एक बंदे ने पीछे से कॉलर पकड़ के खींच रहा है,
मैं रुका हुआ हूँ, मतलब दोनों का फोर्स उस बंदे के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? देखो तो यहाँ पे टेंशन प्लस फ्रिक्शन, टेंशन प्लस फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब टेंशन क्या हो गया? एम जी साइन 30 माइनस फ्रिक्शन, एम जी साइन 30 माइनस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की, अब तेरे को सब कुछ बताइए, एम जी साइन 30 और फ्रिक्शन क्या, याद कर, मैंने याद करवा दिया है, फ्रिक्शन हमेशा होता है म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ से तो सब कुछ पुट कर दे, म्यू पता है, एम जी पता है, एंगल पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फटाफट नोट कर इसे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जो वीडियो देख रहे होंगे ऑफलाइन कौन से वाले जो आए नहीं है, छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं हार्ड हो गया, हमसे झेला नहीं जाएगा हमसे। अब सुनो, एक क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन ऐसा है, मजाक नहीं, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन ऐसा है भाई, एक क्वेश्चन ऐसा है कि बंदे ने पहली बार कर रहा हो पेपर में, कोमा में आएगा सीधा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ। देख कहते हैं, सुनो, एक ना ऐसे लटका हुआ था, एक कुछ भी है, ये पेंडुलम या मास कुछ भी है, मान लो 2 किलोग्राम, कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम, ठीक है। अब हुआ क्या, किसी ने ना इधर से फोर्स लगा दिया 50 का, कितने का? 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया। तो हुआ क्या, समझना, हुआ क्या कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी है, अब यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ चला जाएगा? वर्टिकल से, समझना, वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए इधर चला जाता है, कुछ एंगल बना के यहाँ चला जाता है, यहाँ, समझे मेरी बात को, यहाँ चला गया, तो इधर लग रहा है 50 का फोर्स, कितना लग रहा है? 50 का फोर्स उस तरफ लग रहा है, समझना इस चीज़ को, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 50 का फोर्स इधर लग रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो यहाँ एंगल है 60 डिग्री, क्या है ये एंगल, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, तो आप बोलेगा फाइंड टेंशन, जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो फाइंड करो, इस टेंशन को फाइंड करो, स्ट्रिंग में खिंचाव आएगा ना, अरे खिंचाव पहले भी था, अभी भी था, अब कह रहा है फाइंड करो, तो मैं क्या करूँगा, समझना, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बोलूँगा अभी तो बॉडी रेस्ट पर आ गया, किस पर आ गया? रेस्ट पर आ गया, तो ऊपर का फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। अब समझना बेटा, नीचे लग रहा है इसके एम जी, क्या लग रहा है? एम जी। अब मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊँ, क्या बनाऊँ? लाइन, लाइन बनाऊँ, तो लाइन बनाना पड़ता है, हमेशा एक्स और वाई एक्सिस बनाना पड़ता है, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर स्टडी करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, ताकि हम हर तरफ का फोर्स देख सके। तो समझ, अगर ये एंगल 60 होता है, तो ये एंगल भी क्या होगा? 60. क्या होगा? 60. अगर इधर फोर्स टेंशन है, तो यहाँ फोर्स क्या होगा? टेंशन का कॉस थीटा, याद कर, टेंशन कॉस 60 डिग्री। और इस तरफ क्या हो जाएगा? इस तरफ देखो, एरो इस तरफ है, तो टेंशन साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि देख, अगर बॉडी रेस्ट पर है, तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर, इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर। तो समझ, समझ, अगर मैं इधर बोलूँ, ये 50 के बराबर होगा, T sin 60 50 के बराबर होगा, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बेटा? दूसरा क्या? T cos 60 किसके बराबर होगा? mg के बराबर, यानी 2 × g 20 के बराबर। अब तो यहाँ से डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे, तो T से T कट जाएगा। अच्छा, अब वैसे तो एक से इक्वेशन से आंसर आ गया हमारा, देखो एक इक्वेशन से ही आंसर आ गया, T = 50/sin 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो आंसर आ गया, ठीक है। वो क्या करेगा पता आपको? ये एंगल देगा नहीं, कुछ ना कुछ मिस कर देगा, यानी हम एक कॉमन तरीका निकाल ले, सुनो, अगर मैं कॉमन तरीका निकाल लूँ ऐसे क्वेश्चनों के लिए, कि अगर ऐसे लटका हो कोई चीज़ और यहाँ से एंगल हो थीटा, एंगल क्या हो? थीटा, तो नीचे होगा एम जी, नीचे क्या होगा? एम जी, ऊपर होगा T cos थीटा, इधर T sin थीटा होगा, और इधर होगा अप्लाइड फोर्स, क्या होगा? अप्लाइड फोर्स। और ध्यान रखना, अब इक्वल कर दो, टी कॉस थीटा को एम जी के बराबर, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर, टी साइन थीटा फोर्स अप्लाइड के बराबर। अब जो बोले निकालने के लिए निकाल सकते हो, एंगल बोले, क्या बोले? एंगल बोले, टेंशन बोले, जो बोले निकालने के लिए निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को, अगर दोनों को डिवाइड करोगे, टी से टी कट जाएगा, एंगल निकल जाएगा, टेन थीटा या कॉस थीटा, बात समझ पा रहे हो? इन दोनों इक्वेशन से कुछ भी सॉल्व हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन ही गलत हो सकता है ये, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जिसको ये नहीं आता ना, तो और ना सीख लो बेटा, कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ ऐसे हो, तो एंगल के साइड वाला होता है कॉस, और एंगल के ऊपर वाला होता है साइन, मैंने वेक्टर वाले में सिखाया था आपको, याद है पिछले चैप्टर में, ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये थीटा है, तो ये वाला थीटा है, तो ये टेंशन है, टेंशन, टेंशन के बगल वाला कॉस हुआ, और इधर वाला क्या हुआ? साइन। ये तो आपको पता होगा। सो मेरे दोस्तों, फाइनली वेट ओवर होने वाला है, एक टॉपिक के बाद आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मिलेगा, और वो जल्दी खत्म हो जाएगा, और आपको मजा आएगा। एक अगला टॉपिक है मोमेंटम, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है। देखो, मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मोमेंटम होता क्या बेटा? तो मोमेंटम जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन,
कितना मोशन में क्वांटिटी है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ मोशन है, कितना अमाउंट ऑफ, जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऐसे इसको हिंदी में समझ सकते हो, कौन कितना डेंजरस है, कौन कितना मोमेंटम क्या बताएगा, कौन कितना डेंजरस है। जैसे मैंने बोला देखो एक साइकिल है, 100 की स्पीड से चल रहा है, साइकिल 100 की स्पीड से चल रहा है और दीवार से टकराया, दीवार को कुछ होगा क्या? नहीं। लेकिन सेम सिचुएशन समझो, सिचुएशन मैंने कहा एक ट्रक है जो सिर्फ 30 की स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से, या जो ट्रक है 100 की स्पीड से चल रहा है, दीवार के चकनाचूर हो जाएगा, दीवार चकनाचूर हो जाएगा। तो कौन किसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी मोशन की, या कौन ज़्यादा हानिकारक था, ट्रक किस, कौन था ट्रक, यानी कि समझो इस बात को, जो हमने बोला कि मोमेंटम बताएगा कौन कितना खतरनाक है, तो खतरनाक होना किस पे डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, और खतरनाक होना वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तभी हमने बनाया एक मोमेंटम, क्या बनाया, और इसको बोला हमने वेक्टर, क्या बोला, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम बताएगा, मोमेंटम बताएगा कौन कितना खतरनाक है, कितना मोशन है उस बॉडी के पास, कितना मोशन है उस बॉडी के पास, कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहानी को समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, दो तीन टाइप के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, बता रहा हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन तो यही है कि बताओ भाई कि एक दीवार है, दीवार पे हमने बॉल को ऐसे फेंका, इसका मास है मान लो 2 kg और वेलोसिटी है मान लो 4 meter per second, 4 meter per second ये बॉल गया और लौट आया, तो चेंज इन मोमेंटम बताओ, क्या बताओ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तू बात कर रहा है ना तो बेटा मैं सच में बता रहा हूँ, मैं यमराज मेरा दोस्त है, मैं पर्सनली बोल के आऊँगा नर्क के दरवाजे खोलने के लिए, अगर अभी भी तू बात कर रहा है 10 दिन बाद पेपर है, समझ रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ देख, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन कैसे निकालोगे, आप लिखोगे सर चेंज का मतलब हो गया मोमेंटम चेंज, जैसे लिखते हैं डेल्टा पी, क्या लिखते हैं डेल्टा पी, फाइनल मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब सुन, इनिशियली इसके पास कितना मोमेंटम था, देख जब एक यहाँ पर था, इनिशियल मतलब जब जा रहा होता तो 2 × 4 = 8, कितना था 8, इनिशियल 8 था। फाइनल समझ, यहाँ पर माइनस का साइन है लगने दे, फाइनल ये टकरा के आया, टकरा के आया, हम मान रहे हैं एनर्जी का लॉस नहीं है, तो मास तो दो ही रहेगा, पर वेलोसिटी हो गया -4, वेलोसिटी कितना हो गया -4, तो आंसर कितना आएगा 4 × 8 माइनस का, तो यहाँ पर 8 लिखेगा पर माइनस का, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया 16 -16 meter per, जो भी हो इसका यूनिट निकाल लेना, ठीक है ना, यूनिट निकाल लेना कितना आएगा, देखो मास और ये और मीटर पर सेकंड है ना, तो kg meter per second, ऐसा क्वेश्चन आएगा संभाल लेगा तू, अब देख एक खतरनाक क्वेश्चन देख बेटा, समझ, खतरनाक क्वेश्चन क्या है, कहते हैं दीवार है, ये दीवार की एक्सिसेस है, ठीक है, इसको तो याद करना है, याद करके जाना है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे, कि एक बॉल है उसका मास है मान ले m, मुझे नहीं पता कितना मास है, बाद में पुट कर देंगे, वेलोसिटी v से गया और ये जाके टकराता है, और समझ वो बोलेगा मान ले यहाँ से एंगल बना, वो एंगल यहाँ से भी बना सकता है, ठीक है, यहाँ से बनाएगा तो हम क्या करेंगे बाद में बताता हूँ, वो बोलेगा ये एंगल है थीटा, एंगल क्या है थीटा, अब बोलेगा फाइंड चेंज इन मोमेंटम, अगर बॉल सेम एंगल पे ऐसे निकल गया, थीटा के साथ ही ऐसे निकल गया और सेम वेलोसिटी के साथ निकल गया, अभी ये मास एम है वेलोसिटी भी है, तो चेंज इन मोमेंटम, तो बेटा अब तू नहीं कर सकता, अब क्यों नहीं कर सकता, अब आ गया टेढ़ा, कैसा आ गया, जब भी टेढ़ा उसको सीधा करो, तो देखो ये वाला मोमेंटम है m × v, कितना है m × v, तो सोचिए एंगल है, ऐसे मोमेंटम था तो अब एंगल के बगल वाला क्या होगा कॉस, तो एक मोमेंटम इधर आएगा, पहले क्वेश्चन लिखना है, अब मैं बता रहा हूँ देख, अब सीधा कैसे कर रहा हूँ मैं इसको, मैं बोलूँगा mv का कॉस इधर आएगा, mv कॉस थीटा इधर आएगा, सोच देख वो mv है, क्या है m × v, और इधर वाला क्या हो जाएगा कॉस, और एरो इस तरफ, वैसे mv का एक इधर भी होगा, अरे गधों में एंगल में तोड़ रहा हूँ यार, देख एंगल पे है तो टूटेगा, mv कॉस थीटा और इधर mv साइन थीटा, mv कॉस mv साइन, तो इधर क्या हो जाएगा mv साइन थीटा, क्या बात समझ में आ गया, अब नीचे वाले को भी तोड़ना पड़ेगा, नीचे वाला मोमेंटम भी टेढ़ा है, क्या है, तो इधर तोड़ तो आ जाएगा, ये हो जाएगा mv cos थीटा, पर इस तरफ, किस तरफ होगा, इस तरफ, अरे इस तरफ होगा ना, ये वाला इस तरफ, और एक mv sin थीटा इस तरफ, एक नीचे आएगा mv sin थीटा, अब तुझे बोला चेंज इन मोमेंटम, क्या बोला है चेंज इन मोमेंटम, तो सेम डायरेक्शन वाले को हम माइनस कर सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ मैं इसका निकालूंगा चेंज, तो मैं x में लिख रहा हूँ, x में चेंज इन मोमेंटम, फाइनल कौन सा है ये वाला mv cos थीटा, माइनस mv cos थीटा, क्यों इस तरफ है ना,
माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस, देखो ये फाइनल है, ये क्या है एक्स में फाइनल ये वाला है। अरे नहीं आ रहा तुम्हें समझ में? अरे आना चाहिए यार, आना चाहिए। किसको नहीं आ रहा? जिसको नहीं आ रहा वो बेवकूफ़ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक वन शॉट में इससे ज़्यादा क्या करवाऊँ मैं, रिविजन में इससे ज़्यादा क्या करवाऊँ? देख इधर होगा एम बी कॉस थीटा, क्या होगा इधर एम बी कॉस थीटा माइनस का साइन है, और इस तरफ क्या होगा बता। देख पी फाइनल माइनस पी इनिशियल निकाल रहा हूँ मैं, पी इनिशियल, पी इनिशियल क्या होगा एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा। तो ये एक्स में काम हो गया, एक्स में आंसर आ गया। अब वाई में निकाल, वाई में कैसे निकालेगा? देख वाई में फाइनल कौन सा आइए, एम बी साइन थीटा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है एम बी साइन थीटा, और इनिशियल क्या है वो भी एम बी साइन थीटा, एम बी। तो आंसर क्या आ गया? जीरो। आंसर क्या आ गया? जीरो। तो ये फॉर्मेट याद कर लो, फॉर्मेट कर लिया याद हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो 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 सुनो, अगर अगर ध्यान दो ध्यान दो, ये इतना हो गया ना। अगर चलो चलो ठीक है, अभी मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद। तो जिसको पीछे का समझ नहीं आया और जिसको सिर्फ आंसर से मतलब है, ये देखो डेरिवेशन से मतलब नहीं है। जब भी ऐसा केस हो कि टेढ़ा बॉल गिर रहा हो और बॉल रिफ्लेक्ट हो रहा हो ऐसे, तो आंसर जो आता है सिर्फ एक्स में आता है, वाई में जीरो होता है। और आंसर क्या होता है? टू एम वी कॉस थीटा, टू एम वी, टू एम वी कॉस थीटा। बात समझ में आ गया? पर टीचर एंगल यहाँ से देगा, अगर क्वेश्चन में टीचर एंगल यहाँ से दे, सेम क्वेश्चन में एंगल ये वाला दे, क्या दे? ये वाला। तो आप यहाँ पर पता क्या लिखोगे? पहले आपने इसको माना था, अब ये है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है समझो। यहाँ इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, ये आ जाएगा आपका टू एम वी साइन थीटा, टू एम वी साइन थीटा। ध्यान रखना जब एंगल यहाँ से हो तो साइन, और एंगल यहाँ से हो तो आंसर क्या आएगा? कॉस। बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको एनसीईआरटी का, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन में रसगुल्ला मिला हमें, उसने मास इंटू वेलोसिटी नहीं दिया, उसने बोला मोमेंटम। क्या बोला? यानी उसने एम वी की वैल्यू 40 दे दी, एम वी की वैल्यू 40, एंगल दिया यहाँ से, बोला फाइंड चेंज इन मोमेंटम। आप क्या बोलोगे? सर चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? माइनस एम वी साइन थीटा माइनस एम वी कॉस, कॉस गलती मत करो, एंगल यहाँ से है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो माइनस एम इंटू वी कितना? 40, 40 कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है? 1/2। आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि बोलेंगे एंगल फ्रॉम वर्टिकल, क्या बोलेगा वो? एंगल फ्रॉम वर्टिकल, अगर वर्टिकल से एंगल बोले तो आंसर तुम्हें पता ही है ना क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन आप संभाल लोगे, और वही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन से ये। अरे यहाँ पर टू रह गया हमारा, पीछे फॉर्मूले में ना टू आया था, टू टू एम वी कॉस थीटा, देखो टू था, टू मैं भूल गया था, ठीक है? चलो ये कोई बात नहीं है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तीन लॉ है, यू खत्म करेंगे, तीन लाइन खींचेंगे, मोशन खत्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म। पहला लॉ खत्म हो गया, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ। आप फर्स्ट लॉ समझना, क्वेश्चन फर्स्ट लॉ से आएगा कॉन्सेप्चुअल, कैसा आएगा? सेकंड लॉ से भी कॉन्सेप्चुअल आएगा, और थर्ड लॉ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है? या फिर आएगा ही नहीं, बात खत्म। सुनो सुनो सुनो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। आप बोलोगे चुप हो जाओ, लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, डायरेक्शन अगर सेम है सेम डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है? अगर तुमने उसमें छिड़खानी की, अगर तुमने उसमें छिड़खानी की तो वो तुम्हें अपोज करेगा, तुम्हें वो अपोज करेगा, यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। या फिर समझो, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, लॉ ऑफ इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन क्या है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर सेम किसी डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है? बात समझ में आ गया? वैसे इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हमारी बॉडी की एक ऐसी इनएबिलिटी है या अंदर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। क्या बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो। एग्जांपल पहले लिख लो, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया की स्टेटमेंट क्या है? अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में है तो मोशन पर रहेगा, ठीक है? रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में है तो मोशन पर रहेगा, अगर किसी डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, जब तक बाहरी फोर्स ना लगाओ, जब तक बाहरी फोर्स ना लगाओ, जब तक बाहरी फोर्स ना लगाओ। अगर आप बाहरी फोर्स लगाओगे तो वो आपको अपोज करेगा, वो आपको अपोज करेगा, क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये हमारे इनर्शिया के बारे में सब कुछ हो गया। रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है, मोशन में रहेगा, डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में रहेगा, अगर आप उसको छेड़ोगे तो आपको छेड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल, बात मत करियो आज के बाद उसके साथ, ध्यान, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, भगा दूंगा मैं। ध्यान दो, सबसे बेस्ट समझने का तरीका क्या है? तू साइकिल चला रहा है, क्या चला रहा है? तो सीधी डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में है, ऐसे जा रहा है, पर तेरे को मोड़ना है, पर तेरे को मोड़ना है,
तो तेरी इनर्शिया क्या बोलेगी, मैं मरने नहीं दूंगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा ना, तो तेरी बॉडी को बोलेगा इनर्शिया कि भाई मुड़ मत, भाई तूने मोरने के लिए हैंडल इधर मोरा, पर इनर्शिया चाहता है तू ऐसे रहे, इनर्शिया चाहता है तू ऐसे रहे, तूने हैंडल को ऐसे किया बाहर फोर्स लगा के, तो इसलिए तू कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्व। सोच, हम शार्प टर्न नहीं ले सकते, ऐसे जाके ऐसे नहीं मुड़ सकते, हमें मुड़ना ऐसा ही पड़ेगा। रीज़न क्या है? तू इनर्शिया कहता है इधर जा, इनर्शिया कहता है इधर जा, तू कहता है मैं इधर जाऊंगा, तो बीच का रास्ता निकलता है, बीच का रास्ता निकलता है, इसीलिए हम ऐसे कर्व लेते हैं। क्या लेते हैं? कर्व। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। धन का इनर्शिया क्या है? मैंने कहा देख, ये रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर रहेगा जब तक मैं बाहर से फोर्स ना लगा, तो यही इनर्शिया है। बात समझ में आ गया? इससे बाहर क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है एग्जाम में, कि बस में ब्रेक मारने से हम आगे क्यों झुकते हैं, आगे क्यों झुकते हैं, कंबल को जब पीटते हैं तो धूल क्यों उड़ती है, उसके पीछे रीजन समझो। बस में क्या था? देख सच, ये बस का प्लेटफॉर्म है, बस का प्लेटफॉर्म, तू यहाँ पर है, तू यहाँ पर है, तेरा जो निचला हिस्सा है बॉडी का, निचला हिस्सा है जो बॉडी का, वो बस से कनेक्टेड है, बस का हिस्सा बन गया, बस का हिस्सा, पर ऊपर का जो हेड है और चेस्ट है वो बस का हिस्सा नहीं है, तेरा हिस्सा है वो, है ना। तो देख, अगर बस मोशन में है, बस मोशन में है, तो तेरी पूरी, तेरा जो निचला हिस्सा है वो मोशन में, निचला हिस्सा कैसा है? मोशन में। लेकिन जैसे ही अब तेरे निचला हिस्सा मोशन, सुन सुन, ये बस है, ये तू है, बस ऐसा तू भी मूव कर रहा है, बस ऐसा तू भी मूव कर रहा है, अब तेरी बॉडी को हैबिट लग गई मोशन की, किसकी लग गई? तो इनर्शिया क्या बोलेगा? तू मोशन में ही रहे, इनर्शिया बोलेगा तू मोशन में ही रहे। लेकिन बस वाला रोक देता है, बस ब्रेक मारता है, पर बॉडी क्या जाता है? मोशन में ही रहू, इसलिए वो आगे जाता है, इसलिए वो ये बॉडी तो बोलेगा मुझे मोशन में ही रहना है ना। तूने देख, बस चल रहा है, तू भी चल रहा है, बस रुक गया, पर बॉडी क्या बोलेगा? मुझे मोशन ही चाहिए। यही तो इनर्शिया है, कि मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अब कम्बल वाली बात, तो ये समझ में आ गया ना, वाई वी फॉल आगे, बिकॉज इनर्शिया कहता है तू मूव करता रहे, इनर्शिया कहता है तू मूव करता रहे, बस रुक गई, पर इनर्शिया कहेगा तू मूव करता रहे। अब छोड़, ये सब छोड़ो, अगला क्वेश्चन कंबल वाला। कंबल, कंबल को जब पीटते हैं तो धूल की बाहर निकलती है। देख, पहले कंबल रेस्ट पर था, वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, तो जैसे तू कंबल को मारेगा, कंबल नीचे चला जाएगा, पर धूल वहीं पर रहेगा, इसलिए धूल वहीं रहेगा, कंबल नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ गया? कंबल नीचे चला गया पर धूल वहीं रहेगा, धूल वहीं रहेगा। बात समझ में आ गया? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए जिसका आंसर तुम्हें ना पता हो, तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं इनर्शिया ही रहेगा। जहाँ पर रेस्ट दिखाई दे, मोशन दिखाई दे, गिरता दिखाई दे। क्या बात समझ में आ गया? तो कोई भी क्वेश्चन बने आप करने के योग्य हो गए हो, इनर्शिया वाले। यही दो क्वेश्चन पॉपुलर है, इससे बाहर कुछ नहीं। अब सेकंड लॉ समझ, सेकंड लॉ समझ। भाई देखो, इतने कम टाइम में मैं ऐसा ही समझा सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। सेकंड लॉ समझना, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि भाई देखो, जब भी फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज आएगा, डीपी बाई डीटी। ये क्या सर, ये क्या बात है? जब भी फोर्स लगाऊंगा मोमेंटम चेंज होगा। देख, यहाँ पर बॉडी है, मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, इसका मोमेंटम जीरो। मोमेंटम क्या है? जीरो। मैंने फोर्स लगाया, मोमेंटम आ गया, मोमेंटम चेंज हुआ ना, जीरो से दस हो गया, जीरो से दस। या मान लो कोई बंदा आराम से स्कूल बैग टांग के जा रहा है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी होगा ना कुछ। मैंने बोला मोमेंटम इसका चार, मोमेंटम क्या है? चार। एक बंदा उड़ता हुआ पीछे से लात मारा, उसने फोर्स लगाया, अब जिस पे लात पड़ी उसका मोमेंटम हो गया सौ, चार से सौ, तो मोमेंटम चेंज हुआ ना। तो टाइम के साथ मोमेंटम चेंज होता है फोर्स लगाने पे, यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम चेंजेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। तो ध्यान दो, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, क्या कहता है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मेरी बात को समझ, जब इसको तू खोल के लिखेगा, डी बाई डी टी, ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो देखिए ये अप्लाइड फोर्स है, क्या ये अप्लाइड फोर्स, या फिर इसको बोलेंगे नेट फोर्स, क्या होगा ये नेट फोर्स, इसको नेट फोर्स बोलना, नेट फोर्स, एफ नेट, नेट मतलब टोटल, क्या होता है इसका मतलब टोटल, जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स वो हमेशा क्या होगा, डी बाई डी टी इंटू एम वी, और समझो मास कॉमन ले लिया, अरे चुप जाओ, मास बाहर आ गया तो ये बन गया एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई, मास कॉन्स्टेंट है, मास क्या है, तो डी वी बाई डी टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एम इंटू ए, एम इंटू ए, यानी न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स हमेशा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, देयर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, खत्म हो गया, अपोजिट डायरेक्शन होगा, इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब मेरी बात सुन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि बताओ, जो नॉर्मल है
ठीक है, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपसे, अभी पीछे मैं इनके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, वेट करो। जैसे मैंने बोला एक बॉडी है, इस पे नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल, और नीचे लग रहा है एम जी, नीचे क्या लग रहा है एम जी, ये नॉर्मल है, ऊपर नॉर्मल लगेगा ना, नॉर्मल ऊपर नॉर्मल, ठीक है, और नीचे क्या है एम जी। तो बताओ ये नॉर्मल और एम जी आपस में कैंसिल क्यों नहीं करते, अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल क्यों नहीं करते, है ना। उसके पीछे लॉजिक समझना, उसके पीछे लॉजिक क्या है, एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। मैंने कहा अगर एक ही बॉडी पे, समझना, एक बॉडी पे इधर से फोर्स लगे और इधर से लगे तो कैंसिल होगा, पर अलग अलग बॉडी पे लगे तो कैंसिल नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 10 का फोर्स मुझ पे लग रहा है और 10 का फोर्स मेरे भाई पे लग रहा है तो कैंसिल होगा क्या, नहीं। अलग अलग बॉडी पे लगने पर फोर्स कभी कैंसिल, सेम बॉडी पे लगता है तो, अगर सेम बॉडी पे लग रहा है तो फोर्स कैंसिल होगा। आप समझो ये नॉर्मल फोर्स, समझना समझना नॉर्मल फोर्स और एम जी में फ़र्क क्या होता है। देखो एम जी जो है, एम जी किस पे लग रहा है समझना। अच्छा आप पहले नॉर्मल फोर्स की परिभाषा समझो, नॉर्मल फोर्स रियल में होता है कैसा है। देखो नॉर्मल फोर्स ऐसा होता है कि जैसे ये धरती है, ये धरती क्या, ये धरती, समझना, तो धरती क्या करता है, इस पे नॉर्मल लगाता है, धरती इस पे लगाता है ना बॉडी के ऊपर नॉर्मल, और एम जी, समझना, एम जी समझो आप, जैसे धरती नॉर्मल, धरती ने नॉर्मल उस पे लगाया तो ये बॉडी भी उस पे नॉर्मल लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो बताओ नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा आता है, समझो ये वाला मैं क्वेश्चन, अगर मैंने गलत बोल दिया हो कोई नहीं, क्वेश्चन ऐसा आता है, ध्यान देना मैं जल्दीबाजी में, ये वाला क्वेश्चन आता है कि अगर जो रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट है, क्वेश्चन ये था मेरा, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है जब रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल क्यों नहीं होता, क्योंकि अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। देखो कैसे, एक बार धरती ने उस पर लगाया कॉन्टैक्ट फोर्स और एक बार बॉडी ने उस पर लगाया कॉन्टैक्ट फोर्स, किस पे, धरती पे। यानी एक, अगर तुम सिर्फ बॉडी को देखो तो बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बॉडी पे नॉर्मल लग रहा है, एक ही तो लग रहा है, और बॉडी ने धरती पर लगाया दूसरा फोर्स तो ये कैंसिल थोड़ी होंगे, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, एक बार बॉडी पे लग रहा है, एक बार तो धरती पे लग रहा है। तो क्वेश्चन आए कि भाई रिएक्शंस जो है नॉर्मल, जो एक्शन और रिएक्शन है वो कैंसिल क्यों नहीं होते अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो, क्योंकि वो अलग अलग बॉडी पे लगता है, अलग अलग सेम बॉडी पे नहीं लगता। अब टाइम आ गया है कि हम न्यूमेरिकल करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को लगा के, पुली वाले क्वेश्चन और इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन और थोड़े वैसे वैसे क्वेश्चन, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी बैंकिंग ऑफ रोड की डेरिवेशन ये सब नहीं करवाऊंगा मैं, शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, डेरिवेशन तो तुम खुद कर लोगे। अरे मेरे चैनल मेरे से नहीं देखना, मेरे से नहीं पढ़ना, पहले मैंने पढ़ा है वो कर लो, या यूट्यूब पे सर्च मार लो, कहीं ना कहीं तो आ जाएगा ना, कहीं से भी पढ़ो। मेन मकसद क्या है तुम्हारा, सीखना, जितना टाइम है उसमें हम जितना करवा सकते हैं उतना करवा रहा हूँ, ये डिफिकल्ट चीज़ें होती जो मैं करवा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं पर कैंसिल नहीं करते, क्योंकि अलग अलग बॉडी पे लगता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अच्छा ये पढ़ लिया हमने, अब यहाँ से एक छोटी सी बात समझते हैं। देखो समझना, छोटी सी बात है, क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पल्स, क्या होता है एक टॉपिक, इम्पल्स होता क्या है बेटा, इम्पल्स पता क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता, फोर्स इंटू टाइम समझ लो, क्या होता है इम्पल्स का कॉन्सेप्ट समझो, जब भी इम्पल्स का कॉन्सेप्ट आए तो समझ लो फोर्स इंटू टाइम, उसी को बोलते हैं हम इम्पल्स, क्या बोलते हैं इम्पल्स। अच्छा फोर्स इंटू टाइम बेसिकली होता है क्या, अगर तुम इधर से देखो न्यूटन सेकंड लॉ से देखो, dp/dt चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ना होता है फोर्स, तो फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर है, फोर्स इंटू टाइम देखो मोमेंटम के बराबर है, और फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स के बराबर भी है, तो इम्पल्स किसके बराबर हो गया, सोचो चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अच्छा यहाँ से छोटी छोटी बातों को समझो, अगर मैं आपसे ऐसी ऐसी बातें करूँ, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से बहुत छोटी छोटी बातें करूँ, यहाँ से ये वाले फॉर्मूले से, मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहीं पर टाइम को बढ़ा दूँ तो फोर्स कम हो जाएगा ना। अरे कहीं टाइम पर बढ़ा दूँ तो फोर्स कम हो जाएगा ना, तो जब हम कैच करते हैं बॉल को कैच करते हैं तो हाथ को पीछे ले जाते हैं ताकि टाइम बढ़ जाए, किसका टाइम बढ़ जाए, चेंज इन मोमेंटम का टाइम बढ़ जाए तो फोर्स कम लगेगा। वैसे ही जब हम कूदते हैं, किसी दीवार से कूदते हैं तो अपने घुटनों को ऐसे मोड़ते हैं, फोल्ड करने से क्या होता है टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम लगता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इजीली कर सकते हो, कहीं पर भी फोर्स कम लगे समझ जाओ टाइम बढ़ गया, टाइम क्या हो गया बढ़ गया। तो इम्पल्स समझ गया, इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा देता कि एक दीवार है यहाँ पर कोई बॉडी था, बॉडी मान लो 2 किलोग्राम का बॉडी है, वो गया ऐसे और टकरा के आ गया, तो फाइंड इम्पल्स तो तुम फाइंड करते चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, और तुम्हें पिछला क्वेश्चन कर चुके हो ना,
इम्पल्स ही तो चेंज इन मोमेंटम है। अगला क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, वो ऐसे जाके गिरता है इसके ऊपर, मास इनटू वेलोसिटी, फाइंड इम्पल्स, फाइंड इंपल्स। और आपने अभी पढ़ा इम्पल्स से बराबर होगा चेंज इन। अच्छा, अगर आप ये नहीं कर पा रहे, सुनो मेरी बात, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो क्या ही करोगे जीवन में? फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स। और यहाँ से क्या पता लगा? फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? मोमेंटम। तो दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, इम्पल्स ही फोर्स इनटू टाइम है और मोमेंटम ही फोर्स इनटू टाइम है, तो इम्पल्स ही मोमेंटम है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान आपको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। या फिर ये हो सकता है कि जब मैं अगले जन्म में पढ़ाऊंगा डिटेल में 10-12 घंटे का लेक्चर इस चैप्टर पे, तब आपको समझ में आए अगले जन्म में। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बार नहीं समझ में आया तो ट्राई करो ना, एफर्ट्स लगाओ, तभी समझ में आएगा। किसको नहीं आ रहा? सबको आ रहा है, ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। गुड, सुनो, तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे तो इम्पल्स के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। आपको इम्पल्स फाइंड करने को बोले, आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, इम्पल्स होता क्या है? जब फोर्स लगाते हैं बहुत तेज, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बहुत बहुत फास्ट फोर्स लगता है ना, उसका इम्पल्स बोलते हैं। जैसे कि देखो, अगर कील को ठोकना है तो हैमर से बहुत जल्दी फोर्स लगता है, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जो एकदम से हो जाए, एकदम से फोर्स लगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में पुली वाले क्वेश्चन है कुछ जो हम करेंगे, इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन है कुछ जो हम करेंगे, ठीक है। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक है, इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, क्या लगाया, और इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन, क्या बोलेगा? फाइंड एक्सेलरेशन। तो आप पता क्या लिखोगे? आप लिखोगे, सर ने सिखाया था कि जो टोटल फोर्स होता है क्या होता है? टोटल फोर्स हमेशा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने बोला 2 किलोग्राम, बताओ इसमें कितना टोटल फोर्स है? 10 में से 5 गए 5, टोटल फोर्स कितना हुआ? 10 में से 5 गए 5, तो टोटल फोर्स क्या होगा? 10 - 5 = मास। मास कितना है? 2। ये आ गया एक्सेलरेशन, 5/2 आ गया एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सुनो कि एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी है, दूसरा बॉडी के ऊपर और हो क्या रहा है, समझ रहा है इस चीज़ को? ध्यान दो, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है। ये 2 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम है, और बोल रहा है इनके बीच में ना फ्रिक्शन है। क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन है मान लो 10 न्यूटन, कितना है फ्रिक्शन? है 10 न्यूटन। और हमने क्या किया, समझना, छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हमने इस तरफ जो फोर्स लगाया, फोर्स लगाया हमने, लगा लो 12 न्यूटन, कितना लगाया? और आपसे बोलेंगे बताओ कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ इसके अंदर, तो आप सिंपल बोलोगे टोटल फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा तुम्हें बताओ, ये बेवकूफ़ बना दिया तुम्हें, इस बॉडी का कोई काम ही नहीं है, काम उसी पे हो रहा है। तो टोटल फोर्स कितना होगा बताओ? इधर 10 है, उधर 12, तो 12 - 10 = मास, मास है 2, इसकी बात चल रही है इसकी, 2 * एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कर लेना इजीली। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर? और ऐसा आ जाएगा इंक्लाइन प्लेन वाला, आपसे बोलेंगे भाई कि यहाँ पर एक बॉडी है, अब बॉडी मोशन में है, बॉडी किस में है? मोशन में। मान लो 2 किलोग्राम का बॉडी है, यहाँ एंगल है 60 डिग्री, कितना है? 60 डिग्री है। और बोलेंगे देखो इस तरफ तो फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। इधर क्या लगेगा आपको पता ना? mg sin थीटा लगेगा। आपको पता है इधर mg cos थीटा, इधर नॉर्मल लगेगा। अब आपसे पता क्या बोलेंगे? फाइंड एक्सेलरेशन। अगर वो एक्सेलरेशन दे देंगे तो कुछ और पूछेंगे। पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इक्वेशन। आप बोलोगे जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स होता है बॉडी के ऊपर, होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा, तो इस तरफ टोटल फोर्स कौन कौन से बताओ? mg sin थीटा और फ्रिक्शन। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन = मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या बात नहीं समझ में आई? अरे mg sin थीटा इधर है, फ्रिक्शन इधर है, और एक्सेलरेशन तो इसी साइड आएगा ना। आप इन वाले फोर्स को नहीं देखोगे, रीज़न क्या है? इस तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इस तरफ ही है। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टोटल यही तो फोर्स होगा, दोनों को माइनस कर दो, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया mg sin थीटा। फ्रिक्शन किसके बराबर होगा बताओ? फ्रिक्शन होता है μmg cos थीटा। यार भूल गए तुम यार, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? अगर इस इक्वेशन में कुछ भी पूछे बता सकते हो। देखो अगर वो आपको एक्सेलरेशन दे देगा तो म्यू पूछ लेगा ना, मतलब ये ध्यान रख लो, बस इसको याद कर लो, रट्टा मार लो। अगर इसको आपने याद कर लिया तो आप जो मर्जी निकाल सकते हो,
वो आपसे मांस गायब कर दे, म्यू गायब कर दे, जो मर्जी गायब कर दे आप निकाल सकते हो। मान लो क्वेश्चन ऐसा बोलता कि भाई एक्सेलरेशन ना 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो तू म्यू निकालता, क्या निकालता, एंगल पता है, सब कुछ पता है, म्यू निकल जाता। अच्छा वो ऐसे क्वेश्चन बोलता, क्वेश्चन ऐसा बोलता कि फाइंड फ्रिक्शन, फाइंड, तो तू ये वाला फॉर्मूला यूज करता, ये यूज करता ना तू ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला, पूरा फ्रिक्शन पूछा तेरे से, तो क्या होगा फ्रिक्शन क्या होगा बता, तू इधर ले जा एम ए को इधर, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, तो जो बोले वो निकाल सकता है दो इक्वेशन की हेल्प से। क्या बात समझ में आ गई, इंक्लाइन प्लेन के सारे क्वेश्चन तू इजिली कर सकता है। एक और टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इंक्लाइन प्लेन वाला, देख जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ इस बात को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तुम्हें, ध्यान दो कि ये मान लो 2 किलो का बॉडी है, बोलेगा देखो यहाँ पुली से कनेक्टेड है, पुली से कनेक्टेड है यहाँ पर 2 किलो का बॉडी, ठीक है। अब तेरे से मान लो 4 किलो का बॉडी, कितने किलो का बॉडी है, तो तेरे को पता है ना क्या होगा, तेरे को पता है कि ये वाला बॉडी नीचे आएगा, ये बॉडी नीचे आएगा, ये बॉडी ऊपर जाएगा, तेरे से बोलेगा फाइन टेंशन, क्या बोलेगा, तो तू मान लो यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन कितना होगा टी, टेंशन टी क्यों होगा, वायर सेम है, वायर सेम है, तो तू कैसे करेगा, तू लॉजिक लगाएगा, क्या लगाएगा लॉजिक, तू बोलेगा टोटल फोर्स क्या होता है, देख तू तू क्या कर, तू दोनों इसकी स्टडी कर, पहले मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ, मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो स्टडी ऑफ ए लिख, स्टडी ऑफ ए, तू बोलेगा कि भाई देखो जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स क्या, टोटल फोर्स हमेशा क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस पर टोटल फोर्स क्या लग रहा है समझ, एक तो एम जी लग रहा है, 4 × g लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, तो 4g - t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ना, तो 4 × a, ये बन गया तेरा एक इक्वेशन। हमेशा दो बॉडी हो दो इक्वेशन बनेगी, दो बॉडी हो दो। अब स्टडी ऑफ बी कर, स्टडी ऑफ बी कर, तू पता है क्या बोलेगा, तू बोलेगा कि देख इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा, क्या लग रहा है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, याद है ना, तो तू क्या बोलेगा, बॉडी ऊपर जा रहा है बॉडी, तो बड़ा वाला फोर्स ये है टेंशन, देख एक जब इधर बॉडी नीचे आ रही थी तो हमने 4g में से माइनस किया था, अब बॉडी ऊपर जा रही है टेंशन बढ़ा है टेंशन, तो तू लिखेगा देखो नेट फोर्स, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स क्या है इस बार mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है 2, तो हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा ये, तो 2g sin थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2a, तेरे पास दो इक्वेशन आ गई, अरे क्या दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को तो सॉल्व कर आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, एंगल की वैल्यू पुट कर दियो यहाँ पर, जब एंगल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देगा तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, और दो इक्वेशन को सॉल्व करना हम जानते हैं, अगर कभी लिखा हो x + y = 10 2x + y = 11 तो सॉल्व नहीं कर लेगा, तो दो इक्वेशन बन गया, एक 4g में t में, यहाँ भी बन जाएगा g में और t में, आगे आंसर, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, पक्का पक्का हो जाएंगे, बस इंक्लाइन प्लेन में इधर होता है mg sin थीटा, ये याद रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगर वो फ्रिक्शन की बात करता है, अगर सेम क्वेश्चन में वो फ्रिक्शन की बात करता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम क्वेश्चन में फ्रिक्शन की बात भी करता है, तब कैसे बनेगा, तब तू बोलेगा इधर लग रहा है, इधर इधर देख, इधर टेंशन लग रहा था, क्या लग रहा था टेंशन, यहाँ 4 kg था, यहाँ 2 kg था, इधर था mg sin थीटा, क्या था इधर mg sin थीटा, इधर क्या था, इधर फ्रिक्शन भी है, क्या है इस बार फ्रिक्शन है, और इधर क्या लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है 4g, अब समझ, अब इक्वेशन कैसे बनाएगा, तू लिखेगा ए बी, समझ में आ रहा है बेटा सारा, स्टडी ऑफ ए करते, अब ए की स्टडी कर, तो ए पे देख नीचे लग रहा है 4g, क्या लग रहा है, तो 4g - t = 4a, नेट फोर्स ना, टोटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 4g - t = 4 × a, अरे टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा देख, दूसरा कैसे बनेगा, दूसरे में चेंज आएगा, दूसरे में देख, वो बोलेगा फ्रिक्शन भी है इस बार, क्या है फ्रिक्शन है, तो तू बोलेगा टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा, t + friction - mg sin थीटा, अरे भाई इधर का फोर्स माइनस इधर का फोर्स, वही तो होगा टोटल फोर्स, बचा हुआ फोर्स, तो तू लिखेगा t + friction में से जब mg sin थीटा को माइनस करूंगा तब जाके आएगा मेरे पास टोटल फोर्स, जो कि होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, पता है क्या ये टोटल फोर्स, f = mass × acceleration, टोटल यही तो होगा, अरे इस बार दो फोर्स है यार इधर, और जा भी इधर रहा है, इसलिए इन दोनों में से माइनस किया है। तुम सोच रहे हो सर यहाँ आपने 4g से माइनस किया है और यहाँ आप इससे माइनस कर रहे हो, रीज़न क्या है, बॉडी इधर आ रहा है तो 4g बड़ा हुआ, बॉडी ऊपर जा रहा है मतलब ये वाला फोर्स बड़ा हुआ, बड़े में से छोटे को माइनस करने का रूल होता है, बात समझ में आ गया, तो दो इक्वेशन बन गई, तो इससे जो बोलेगा निकाल ले, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड फ्रिक्शन निकल गया, फाइंड टेंशन निकल गया, फाइंड ये निकल गया, एक घंटे से ऊपर हो गया,
कोई बात नहीं, जिसको देखना है वो देखे। अब भाई सब कुछ पढ़ाएंगे तो बड़ा वीडियो तो बनेगा ही ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। क्या बात समझ में आ गया? तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट, जो इसमें डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, पुली वाले क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? तो पुली वाला क्वेश्चन देखो। पुली वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि मान लो एक पुली लगाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी लटका हुआ है 2 किलोग्राम, यहाँ कोई बॉडी है मान लो 4 किलोग्राम, और क्वेश्चन आता है कि फाइंड टेंशन। क्या बोलता है? फाइंड टेंशन या फाइंड एक्सेलरेशन, जो मर्जी बोल सकता है, रूल यही है। तू एक बॉडी को ए मान, एक बॉडी को बी मान, और इक्वेशन लगा दे। तू लगा दे न्यूटन फर्स्ट लॉ कि जो भी टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं लगा रहा हूँ, मान लें ए की स्टडी कर रहा हूँ, ए की स्टडी, तो ए ये रहा, नीचे लगेगा कौन सा फोर्स? एम इंटू जी, यानी टू जी। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। यहाँ पर क्या लगेगा बता? 4G, ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। अब बड़ा कौन सा होगा? ये वाला 4G बड़ा होगा, तो 4G माइनस टी। पहले ए की बी की, चलो ए की स्टडी कर रहे हैं, ए की, चलो पहले बी की स्टडी करना आसान होगा, ठीक है, बी की स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे पता है बी नीचे जाएगा, बी कहाँ जाएगा? नीचे। तो लिखेगा टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल क्या बचेगा? 4G माइनस टी इज इक्वल टू 4A, बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा यहाँ बना ले, ए की स्टडी कर, ए की स्टडी कर, ऊपर जा रहा है बॉडी, ऊपर जाएगा, टेंशन बड़ा होगा, टेंशन, तो टेंशन माइनस 2G इक्वल टू 2A। अब देख दो इक्वेशन बन गया, दोनों का सॉल्व करेगा आंसर आएगा। चल एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, पीछे मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, ये वाला मैं करके दिखाऊँ क्या? बड़ा इजी हो जाएगा, देख। ये पहला इक्वेशन है मेरे पास, 4G माइनस टी इक्वल टू 4A। दूसरा क्या था? टी माइनस 2G इक्वल टू 2A। अब मैं क्या कर रहा हूँ देख, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, दोनों को ऐड। ऐड करने से क्या होगा देख, ऐड कर रहा हूँ दोनों को ताकि आंसर आ जाए। देख ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है या माइनस है, कैंसिल होगा, पर बचेगा 2G बचेगा, क्या बचेगा? और ये दोनों ही प्लस है तो ऐड हो जाएगा 6A, तो ये हो गया 20 बाई 6 इजिकल टू ए। 20 बाई 6 क्या हो गया? ए। अब इस ए को तो इसमें पुट कर दे, इस ए को यहाँ पुट कर दे जो निकला है, तो टेंस ए को यहाँ पुट कर दे, आंसर आ जाएगा क्या? क्या नहीं, एडिशन होगा ना सिंपल, छोड़ो तुम्हें नहीं आ रहा, छोड़ो तुम मैथ्स वाले हो, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान दो, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दियो, टेंशन निकल जाएगा, निकल जाएगा टेंशन। तो पुली का कोई भी क्वेश्चन आए कर लोगे, पुली का कितना भी मुश्किल आए तुम कर लोगे, इसलिए तरीका यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार से ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया, मैं थोड़ा सांस लेता हूँ, फिर कुछ बचा होगा तो बताता हूँ। सुनो कुछ टिप्स एंड ट्रिक देता हूँ आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने काम आएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर न्यूटन्स लॉ को पढ़ाए तो 50 घंटे भी कम है, पर मैंने जितना पॉसिबल है उतना मैंने कराया है। अगर आप वीडियो को अगर अभी ये समझ नहीं आया, 2 बार भी देखोगे आप लोग तो इजीली समझ जाओगे, मुझे पता है तुम लोगों को तो आ गया, तुम मेरे से पढ़े हुए हो सारे, ठीक है। सुनो अब क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, सुनो यहाँ लिखा है फोर्स, यहाँ लिखा है टाइम, क्या लिखा है? फोर्स इंटू, यहाँ पर लिखा है टाइम, और ग्राफ दे, क्या दे? ग्राफ। और तुमसे देखो समझो, आपने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, dP/dt, ये पढ़ा था आपने, तो देखो dP क्या हो गया, dP फोर्स इंटू dt। अब सुनो, अगर मुझे पूरा चेंज इन मोमेंटम निकालना है, अगर मोमेंटम निकालना है मुझे, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन पढ़ा ना आप लोगों ने ऐसा, इसको बोलते हैं हम एरिया, क्या बोलते हैं? तो अगर आपको मोमेंटम निकालना हो, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, तो आप इसका एरिया निकालो, क्या निकालोगे? यानी एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू इम्पल्स, क्योंकि यही तो इम्पल्स होता है दोस्तों, यही क्या होता है? इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स किससे मिलेगा? एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ। अब एक लास्ट क्वेश्चन होता है लिफ्ट वाला आने का चांस है, ठीक है, तो मैं लिफ्ट वाला करवा रहा हूँ आपको। लिफ्ट में क्या होता है? लिफ्ट में ये लिफ्ट का प्लेटफॉर्म है, और एक बंदा खड़ा है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो नीचे लगेगा उस पर mg, क्या लगेगा? mg। ऊपर लगेगा नॉर्मल, क्या लगेगा? नॉर्मल। और बंदा मान लो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू। अब बंदा ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है? ऊपर, तो नॉर्मल बड़ा होगा, नॉर्मल तो नॉर्मल माइनस mg। अरे टोटल फोर्स क्या होगा? नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल क्या हो गया? ma प्लस mg। अब इसी नॉर्मल को बोलते हैं हम, पता क्या? नॉर्मल रिएक्शन, या यही होता है रीडिंग ऑफ मशीन। क्या होता है ये? रीडिंग ऑफ मशीन मतलब जो भी मशीन आप यहाँ पर रहेगा ना, वो मेजरमेंट कर रहा होगा। इसी को एक और चीज़ बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट। क्यों भाई? क्योंकि जब आप लिफ्ट में जाते हो ना, लिफ्ट में जब लिफ्ट में ऊपर जाओगे तो भारी हो जाओगे, क्या हो जाओगे? भारी।
भारी भारी फील होगा। क्यों? क्योंकि एक और चीज़ ऐड हो गया, एम ए, आपके एम जी में एम ए ऐड हो गया। तो एन को क्या बोलते हैं? रीडिंग ऑफ मशीन। रीडिंग ऑफ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई एक लिफ्ट में मैंने मशीन डाल दिया, क्या डाल दिया? जो वेट नापती, क्या नापती है? वेट। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट, तो रीडिंग ऑफ मशीन बताओ, यानी कि एम ए प्लस एम जी क्या होगा? रीडिंग ऑफ। नॉर्मल रिएक्शन बताओ, एम ए प्लस एम जी। वो बोलेगा एपरेंट वेट बताओ, क्या बताओ? एम ए प्लस एम जी। क्या न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से सब कुछ सॉल्व हो रहा है? टोटल बचा हुआ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आगे पीछे का फोर्स माइनस करो, मास इनटू एक्सेलरेशन, बात खत्म। अब अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक लिफ्ट के अंदर, ये लिफ्ट है, लिफ्ट, ठीक है, अब लिफ्ट के अंदर सुना, लिफ्ट के अंदर बंदा नीचे जा रहा है, बंदा एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर एम जी ऊपर टेंशन, टोटल फोर्स क्या होता है? बड़े माइनस छोटा, एम जी माइनस टी। एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। टी बोल दिया मैंने यहाँ पर, इसको नॉर्मल है, क्या ये नॉर्मल है ना? नॉर्मल। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इन टी बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए मुझे? नॉर्मल। तो एम जी माइनस, तो कितना हो गया नॉर्मल, क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू नॉर्मल। तो यही रीडिंग ऑफ मशीन है, क्या है? रीडिंग ऑफ मशीन। जब लिफ्ट नीचे आती है तुम हल्का हल्का फील करते हो, जैसे कि वजन घट सा गया, वजन। कई बार ऐसा स्टोरी बनाया जाता है, मैं नहीं बोलता, ये मैं नहीं बोलता, ये बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में। बुक के राइटर जनरली होते कौन है? जो फिजिक्स के बुक लिखते हो, मेल होते जनरली। कैसे होते हैं? मेल। तो क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि एक लेडी बड़ी मोटी थी, उसको हल्का फील करना था, वो दिन में 10 बार लिफ्ट में जाती थी और ऊपर से नीचे आती थी और वजन खींच के लगाती थी स्टेटस पे, बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे, तो अगर नीचे आए तो ये हो जाएगा। अब जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्चुअल यहाँ से बनेगा, देखो जो मेरा लिफ्ट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मेरा लिफ्ट है ना, वो जा ही नहीं रहा कहीं, लिफ्ट में कहीं जा ही नहीं रहा। तो एम जी इक्वल टू नॉर्मल, अरे लिफ्ट रेस्ट पर, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो या वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, या स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट। जब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी, नॉर्मल इक्वल टू एम जी। बात समझ पा रहे हो? रीडिंग जो है, रीडिंग वो वेट के बराबर ही होगा, ना वेट बढ़ेगा ना घटेगा, रीडिंग क्या रहेगा? सेम। अब मेरी बात सुनो, अगर लिफ्ट भी चल भी रहा है, लिफ्ट लेकिन बड़ा स्मूथली चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो वजन बढ़ता घटता नहीं लगेगा। अरे लिफ्ट ऐसे चल रहा है ना, आराम से लिफ्ट को ऐसे कर दे, एक्सेलरेट कर दे, तब वजन बढ़ता है, या एकदम से गिरा दे तो वजन बढ़ता है। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड हुआ, लिफ्ट जा रहा है पर कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, तो नॉर्मल हमेशा एम जी के बराबर रहेगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो है ना, बात समझ पा रहे हो? अब मेरी बात सुनो, इस पर एक और क्वेश्चन बनता है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा था, ठीक है, लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा था और हमने ना उसकी वायर काट दी, तो फ्री फॉल क्या हो गया? अगर फ्री फॉल हो जाता है ना, तो समझना बेटा आप जाके ऊपर लिफ्ट में चिपक जाओगे, ऊपर आपका वेट जीरो हो जाता है। वेट क्या होता है? वो इतना तेजी से नीचे जाता है कि आप ऊपर चले जाओगे, इतना तेजी से ऊपर जाता है कि आप नीचे जाता है, आप ऊपर चले जाओगे, तो वेट क्या हो जाता है? जीरो। रीडिंग क्या हो जाएगी? रीडिंग क्या हो जाएगी? जीरो। रीडिंग क्या हो जाएगी? क्या बात समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? अगर वो नॉर्मल ना दे और बोले कि ऊपर लग रहा है रस्सी, ध्यान दो इधर, ऊपर क्या है? रस्सी मतलब जो लिफ्ट को खींच रहा होगा। तो इस, अब ये नॉर्मल की जगह पर क्या लिख देंगे हम? एक तरह से टेंशन लिख देंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात ही समझे मेरी बात को? चलो वैसे तो नॉर्मल लिखना चाहिए, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, चलो कोई नहीं। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रीडिंग ऑफ मशीन निकाल लोगे। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अब इसमें डेरिवेशन बनता है बैंकिंग ऑफ रोड, जो मैं नहीं करवा रहा, जो इतनी जल्दी हो नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन आप कर लोगे, यूट्यूब से सर्च मार लो, बुक से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, या मेरे पुराने नोट्स पढ़ लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से पढ़ते हो, मेरा मेन मकसद है आपकी कामयाबी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए।